Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चलती है। यह हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उसकी रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर देता है। भारतीय सेना इस देश की मुट्ठी है जिसकी उंगलियां हैं उसकी रेजिमेंट्स। हर एक रेजिमेंट सेना परिवार का एक सदस्य है और उनकी जीवनी भी। दिसंबर 1944, दूसरा विश्व युद्ध। बर्मा की इरावती नदी और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जापान की फौज पर आक्रमण किया, लेकिन दुश्मन की ताकत उन पर भारी पड़ी और उसने अंग्रेजों की फौज पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमला बोल किया। जापान की गोलाबारी का जमकर मुकाबला कर रही इस सेना में फील्ड गन कमांडर के तौर पर हवलदार उमराव सिंह सामने से लड़ रहे थे। भारी गोलाबारी और ग्रेनेड अटैक के बावजूद घायल हवलदार उमराव सिंह ब्रेन लाइट मशीन गन से दुश्मन को जवाब दे ही रहे थे कि सीधा उनकी पोजीशन को जापान की आर्मी की दो कंपनियों ने निशाना बनाया। हवलदार उमराव सिंह की टुकड़ी इस हमले को झेल नहीं पाई और दो और सैनिकों को छोड़ बाकी सब शहीद हो गए, लेकिन उमराव सिंह अपने दो साथियों के साथ लगातार फायर करते रहे और दुश्मन को पस्त कर दिया। लेकिन इन पर हुए तीसरे हमले तक इनकी कारतूस खत्म हो चुकी थी और ये अब अपनी गन बैरर को हथियार बनाकर दुश्मन से गुत्थम गुत्था की लड़ाई कर रहे थे। इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उन्होंने दुश्मन को मार गिराया और खुद बुरी तरह से जख्मी हुए। 6 घंटों के बाद जब अंग्रेजों की आर्मी वहां पहुंची तो उन्होंने वहां देखा कि 10 जापानी सैनिक वहां मारे जा चुके थे और घायल हवलदार उमराव सिंह अपनी फील्ड गन को पकड़े बेहोश थे। एक गनर के लिए उसका हथियार सबसे बढ़कर है और वो उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ता, और ये तो एक बार फिर तैयार थी दुश्मन पर आग बरसाने के लिए। इसकी मिसाल उमराव सिंह ने सामने रखी। हवलदार उमराव सिंह रॉयल आर्टिलरी में अकेले नॉन कमीशन अफसर थे जिन्होंने उस वक्त के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया, और ऐसा ही खून दौड़ता है आज इस खास रेजिमेंट में जो आजाद भारत में कहलाई गई रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। गनर या तोपखाना इंडियन आर्मी का ऐसा हिस्सा है जो इंडियन आर्मी के किसी भी कन्वेंशनल ऑपरेशन में फायर पावर प्रोवाइड करके इन्फेंट्री के अटैक ऑपरेशन को आसान बनाता है। रेजिमेंट ऑफ आर्टी में हर एक जवान जो गन को फायर करने में मदद देता है उसको गनर कहा जाता है।
चाहे वो जवान है जो एक्चुअली गन को फायर कर रहा है, या वो जवान है जो गन को एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी के मदद से टो करके लेके जा रहा है, या वो जवान है जो रेडियो सेट को ऑपरेट करके दूर दूर से फायर के ऑर्डर्स रिसीव कर रहा है, या वो जवान जो टारगेट्स की एक्यूरेट लोकेशन पता करने में मदद कर रहा है, इन सभी को गनर्स कहा जाता है। रेजिमेंट ऑफ आर्टी में हर एक सिपाही एक गनर है। आर्टिलरी या तोपखाना किसी भी आर्मी की वो इकाई है जो दुश्मन पर दूर से ही गोले बरसाती है और उसकी लड़ने की क्षमता को खत्म कर देती है। ये एक अदृश्य सेना जैसी होती है। ये दुश्मन की सेना को बर्बाद करती है और अपनी बाकी इन्फेंट्री यूनिट के लिए रास्ता बनाती है। इसलिए सैन्य इतिहास में कई दशकों तक आर्टिलरी को एक निर्णायक हथियार के रूप में जाना जाता रहा। आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और गनर्स का भारत में इतिहास शुरू होता है मुगलों के समय से, जब पहली बार बाबर ने जंग के मैदान में बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया। बाबर को हिंदुस्तान में आने का न्योता भेजा दौलत खान लोदी ने, जिनकी दिल्ली के तख्त पर बैठे अपने भाई इब्राहिम लोदी से बिल्कुल नहीं बनती थी। दौलत खान ने बाबर को इब्राहिम लोदी और राजस्थान में राणा संघा को हराने का सुझाव दिया। अब उन्होंने दूत पे दूत भेजे और उनको इब्राहिम लोदी के लड़ने के तरीके भी उनको बताए, स्पेशली कि यहाँ पे हाथियाँ हैं और हाथियों से जो है युद्ध आसानी से जीता जा सकता है। अब बाबर ने निश्चय किया कि हाथियों को मारने के लिए या उनका उल्टा इस्तेमाल करने के लिए तोपखाने की ज़रूरत होगी। तो वो पहाड़ों के बीच में से उठ करके अपने तोपों को भारत ले आए, और उन दिनों जो है तोपों को बैलगाड़ी पे चढ़ाकर और बैलों से खींच के लाया जाता था। और अब हम आ जाते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। ये हुआ था 1526 में, और इस लड़ाई में बाबर ने डिसाइड कर लिया था अली खां कुली के साथ कि तोप का इस्तेमाल कैसे होगा। बाबर की फौज इब्राहिम लोदी के फौज से बहुत कम थी, लेकिन उसके पास तोप थे और किसी को पता नहीं था। उन्होंने बैलगाड़ियों के पीछे तोपों को छुपा कर रखा हुआ था, और जब इब्राहिम लोदी ने एक फ्रंटल हमला किया सामने से, तो उन्होंने अपने 300 तोपों को फायर किया और वो तोप चलाते गए, और जितने उनके हाथियां थी, हाथियां जो हैं उस धमाके के आवाज से और गोलों से वो तितर पितर भागने लगे इधर उधर, और अपने ही फौज के बीच में सबको कुचल कुचल के मारने लगे, और पूरी सेना जो है तितर बितर हो गई, और बाबर पानीपत की लड़ाई जीत गए। और इस तरह बाबर ने दिल्ली, आगरा और उसके पास के तमाम राज्यों पर कब्जा कर लिया। पानीपत की लड़ाई के बाद हुई खाड़वा की लड़ाई, जब राजस्थान के राणा संघा के साथ तमाम राजपूत योद्धाओं ने मुगलों से लोहा लेने की ठानी, लेकिन यहां भी तोप खाने के इस्तेमाल ने घोड़ों और हाथियों पर चल रही राणा संघा की फौज को पछाड़ दिया, और फिर बाबर ने इन्हीं हाथी घोड़ों और ऊंटों का इस्तेमाल किया बारूद को ढोने के लिए और उन पर से दुश्मन पर निशाना साधने के लिए, और साथ ही राजस्थान पर कब्जा करने के लिए। मुगलों के बाद कई भारतीय राजाओं और योद्धाओं ने भी तोपखानों का इस्तेमाल किया। इनमें से आगे रहे टीपू सुल्तान, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा रणजीत सिंह। टीपू सुल्तान एक बहुत ही विजनरी और एम्बिशियस रूलर थे, सुल्तान थे वो। उन्होंने रॉकेट का पहली बार इनोवेशन किया। वो क्या करते थे कि रॉकेट की टेल में सोर लगाते थे, और सोर लगा के तकरीबन 1 किलोमीटर दूर मार करते थे। उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्सपेडिशनरी फोर्सेस थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस थी, उनको भारी नुकसान हुआ उससे। ये चीज़ अंग्रेज़ों ने सीखी उनसे, एंड दे यूज्ड इट अगेंस्ट नेपोलियन इन देयर वॉर। उन्होंने रतनबाण नाम का एक मल्टी बैरल आर्टिलरी भी बनाया, जो हमारे यहाँ आज हम ग्रेड यूज़ करते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, कुछ उसी जैसा ही वो था। महाराणा रणजीत सिंह
जी ने नई मेटलर्जी का यूज़ किया। उन्होंने पीतल की, लोहे की मिलाकर और इवॉल्व्ड आर्टिलरी का आविष्कार किया। छत्रपति शिवाजी जो थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने छोटी तोपें बनाई और उनको औरंगजेब के अगेंस्ट पूरी ताकत से यूज़ किया और उसका बहुत क्षति पहुँचाई उनको। और फिर वक्त आया ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसने आर्टिलरी रेजिमेंट की नींव डाली। वो जहाजों से तोपों को कहीं भी पहुंचा सकते थे और उनकी मार्ग क्षमता कहीं ज्यादा थी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1748 में पहली आर्टिलरी कंपनी को रेस किया। इसमें इंडियंस भी शामिल थे जिनको गनलक्षर, टिंडल या सेरंग कहते थे। 28 सितंबर 1827 को ब्रिटिश आर्मी की रॉयल आर्टिलरी को रेस किया गया। इंडियन गनर्स की काबिलियत को देखते हुए इंडिया की माउंटेन आर्टी बैटरीज को भी इसमें शामिल किया गया, इसीलिए इस दिन को रेजिमेंट ऑफ आर्टी का गनर्स डे मनाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के इस आर्टिलरी दस्ते की अहमियत को देखते हुए इसकी तकरीबन 61 रेजिमेंट्स खड़ी की गई, जिनमें माउंटेन रेजिमेंट्स, फील्ड रेजिमेंट, मीडियम रेजिमेंट्स, एंटी टैंक रेजिमेंट्स, एंटी एयरक्राफ्ट, सर्वे और कोस्ट रेजिमेंट्स शामिल थी। ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा होने की वजह से इन्हें रेजिमेंट ऑफ इंडिया आर्टिलरी कहा जाता था, लेकिन 1947 में आजादी के बाद ये कहलाई रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। रेजिमेंट ऑफ आर्टी आज अपनी एक्यूरेसी, लिथैलिटी, फायर पावर और एक्विजिशन ऑफ टारगेट्स के मींस वो इतना इम्प्रूव कर चुकी है कि अब वो इंडियन आर्मी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। कन्वेंशनल वॉर में रेजिमेंट ऑफ आर्टी का एक ही टास्क है, इन्फेंट्री या आर्मर्ड कोर के असॉल्ट को आसान से आसान बनाना, पहले अपना फायर पावर को डिलीवर करके। इसके अलावा रेजिमेंट ऑफ आर्टी ने अपनी कैपेबिलिटी नॉन कन्वेंशनल ऑपरेशंस, एड टू सिविल अथॉरिटी जैसे कि फ्लड रिलीफ इत्यादि, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज, काउंटर इंसर्जेंसी ड्यूटीज, इन सब में भी बहुत अहमियत और एक्सपीरियंस गेन किया है और कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके साथ ही इस रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए हैं, जिनका फौज को योगदान अभूतपूर्व रहा। जनरल पीपी कुमार मंगलम, जनरल ओपी मल्होत्रा, जनरल एस एम रॉड्रिगस, जनरल एस पद्मनाभन, जनरल दीपक कपूर। आजादी के तुरंत बाद रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की यूनिट्स सिख, जाट, डोगरा, राजपूत, आहिर, ब्राह्मण, गुरखा, मराठा और दक्षिण भारतीय यूनिट्स के आधार पर थी, पर आज ज्यादातर आर्टिलरी रेजिमेंट में देश के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार से गनर्स शामिल होते हैं। ये अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति को लेकर आते हैं और आर्टिलरी का हिस्सा बनते ही एक हो जाते हैं और अपने मूल सिद्धांत सर्वत्र इज्जत व इकबाल को पूरी तरह से निभाते हैं। अभी जो इस वक्त जो क्रेस्ट आप देख रहे हैं मेरे बेरे के ऊपर भी, इस पे लिखा हुआ है सर्वत्र इज्जत व इकबाल, और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक गन है और गन के ऊपर एक स्टार है। गन हमारे इंडियन आर्टिलरी का जो अभिन्न अंग है और स्टार पहले से ही चलते आए हैं। अभी पहले सर्वत्र जो वर्ड था वो नहीं था, पहले इंडिया लिखा हुआ होता था और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के वर्ड को हटा के अभी वहाँ पे सर्वत्र लिखा हुआ है। ऐसी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी न सिर्फ भारतीय सेना की शान है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भी मदद कर चुकी है। श्रीलंका में भारत की शांति सेना का हिस्सा बन 17 आर्टिलरी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया और जाफना पर कब्जा किया। इसके साथ ही कॉन्गो, सियेरा लियोन और सोमालिया में भी यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा रही। 1988 में मालदीव्स में तख्तापलट की कोशिशों को नाकाम करने वाली फौज का भी ये हिस्सा रही। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के नाम आज एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, 95 वीर चक्र, 12 युद्ध सेवा मेडल, 67 शौर्य चक्र और 227 सेना मेडल है। तो ये आज के दिन की आर्टिलरी जो है, आप सोच सकते हैं कि किसी भी लड़ाई में इतना प्रभावित है। आर्टिलरी है
तो जीत निश्चित है। आर्टिलरी यूनिट्स में लगभग सभी रीति रिवाज और परंपराओं में गन्स की बहुत बड़ी अहमियत है। हम गन्स को सर्वोच्च सम्मान देते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। हम गनर्स में एक ये प्रतिज्ञा है कि गन्स की रक्षा के लिए हम अपने जीवन को बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये गन्स हमारी शान है, हमारे कलर्स हैं। एक गनर का अस्तित्व उसके हथियार से ही है। जिस तरह से फौज में सैनिक नाम, नमक और निशान के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता है, उसी तरह गनर्स अपनी तो अपने हथियार पर फक्र करते हैं। इनकी ट्रेनिंग दोहरी होती है, पहले बेसिक इन्फेंट्री ट्रेनिंग और फिर एडवांस्ड गन ट्री ट्रेनिंग। जब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो एक सोल्जर अपनी पूरी क्षमता दिखा देता है, तो उसके बाद उसको 19 हफ्तों की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसे आर्टिलरी के विभिन्न कामों जैसे कि ऑपरेटर, ड्राइवर, गनर्स और टेक्निकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वह एक आर्टिलरी रेजिमेंट का सदस्य बन पाए और एक गन के साथ दुश्मन के ऊपर गोला गिराने में कामयाब हो सके। इस ट्रेनिंग में खास है स्मॉल आर्म वेपन्स की सिखलाई, जो कि गुत्थम गुट्ठा की लड़ाई में काम आती है जब दुश्मन 100 मीटर से कम की दूरी पर होता है। इसके साथ ही आर्टिलरी के जवान जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी तैनात है, जहाँ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में स्मॉल आर्म वेपन्स ही इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल आर्म की ट्रेनिंग हम 6 वीक से शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले रिक्रूट को वेपन हैंडलिंग करना, खोलना, जोड़ना और उसके बाद में फायरिंग करने का तरीका सिखाया जाता है। फायरिंग करने के तरीके के अंदर उसको किस प्रकार राइफल या किसी भी वेपन के अंदर पड़ने वाली रोक और उसको दूर करने का तरीका, ताकि वह लड़ाई के अंदर अगर रोक पड़ जाए दूर करके दुश्मन को मार गिराए। यही नहीं, इन हथियारों को लेकर चल सकने की भी क्षमता ट्रेनिंग के दौरान बढ़ाई जाती है। ये जवान अपने हाथों और कंधों पर ये भार उठाए ट्रेनिंग रेंज के अंदर दौड़ लगाते हैं। हम 5 किलोमीटर रन उनके गन के एक्सेसरी के साथ उसको भगाते हैं। इसके अलावा उसको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, उसको स्ट्रेंजर्स से खुदवाते। कुछ ऑब्स्टिकल ऐसे हैं जिसके अंदर आग भी होती है, उसके ऊपर से भी हम खुदवाते। ये तभी संभव होता है जब हमारी बेसिक ट्रेनिंग बहुत ऊँचे दर्जे की होती है। लड़ाई के अंदर जो भी मूवमेंट होते हैं वो रिक्रूट या सोल्जर बनने के बाद आसानी से करता है। ये तभी संभव होता है, उसको फिजिकल लेवल का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। आर्टिलरी रेजिमेंट की ट्रेनिंग में खास तौर पर सिखलाई ड्राइविंग की भी होती है। यहाँ 18 से 21 साल के जवान ट्रेन किए जाते हैं, जिनमें से कई पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं। ऐसे में बेसिक ट्रेनिंग से एडवांस ट्रेनिंग तक का सफर तय किया जाता है। उनको जब हम ड्राइविंग शुरू करवाते हैं तो पहले उनको गो कार्ट पे एक बार सिखाया जाता है कि स्टीयरिंग व्हील कैसे पकड़ा जाए, और बिफोर किसी भी बड़ी गाड़ी को उनको हैंडओवर करने से हम उनको सिमुलेटर पे लेके आते हैं। तो सिमुलेटर पे उनको हम अलग अलग टेरेन्स पे अलग अलग गाड़ियाँ, सबके हमारे पास अलग सिमुलेटर्स हैं, उस पर उनको हम चलाना सिखाते हैं। एक बार जब वो यहाँ पे पारंगत हो जाता है अपना गियर चेंज करना, स्टीयरिंग व्हील संभालना और अलग टेरेन्स में गाड़ी को चलाना, तब उसको एक्चुअल गाड़ी पे हम लेके जाते हैं, सो दैट उसके पास में एक एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस है। न सिर्फ गाड़ी चलाना बल्कि कठिन से कठिन टेरेन में इन गाड़ियों पर कई टन भार वाली गन्स को लोड करना और आगे ले जाना आसान नहीं होता। यहाँ मौसम भी खराब हो सकता है, दुश्मन का सामना भी होता है। 19 हफ्ते में पहले 6 हफ्ते इन सिमुलेटर्स पर प्रैक्टिस होती है, जिसके बाद उन्हें इन इलाकों में ले जाया जाता है। इंडिपेंडेंस से इंडियन आर्टिलरी में कई तरह की गन थी, जैसे कि 75-25 पैक होइट्स, 5.5 इंच गन्स, 3.7 इंच स्क्रू गन्स और 25 पाउंडर गन्स, जो उस समय की उम्दा गन्स थी। पर आज रेजिमेंट आर्टी ने एक नया और मॉडर्न स्वरूप ले लिया है। अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री और प्रेजेंट प्रोफाइल के कारण इंडियन आर्टिलरी की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर आर्टिलरीज में की जाती है। इस समय रेजिमेंट ऑफ आर्टी में कई तरह की तोपें हैं, जिसमें 120mm मोटर्स, 105mm फील्ड गन्स, 122mm होइट्ज़र्स, 130mm गन्स शामिल हैं। आर्टिलरी के मॉडर्नाइजेशन के तहत रेजिमेंट ऑफ आर्टी में
155 mm कैलिबर की गन्स को शामिल किया जा रहा है जो कि लंबी रेंज तक फायर कर सकती हैं और ज़्यादा लीथल भी हैं। 155 mm मीडियम गन हॉइचर्स बोफोर्स और सोल्टम, 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक गन्स, K9 वज्रा इसमें शामिल हैं। रेजिमेंट ऑफ आर्टी ने भारत सरकार के मेक इन इंडिया को पूरा सपोर्ट दिया है और कई गन्स जैसे 155 mm धनुष और एडवांस स्टोर्ड आर्टी गन सिस्टम यानी अटैक्स इंडियन आर्टी में शामिल किए जाने की कगार पर हैं। इंडिया ने अपनी आर्टिलरी में 155 mm अल्ट्रा लाइट हॉइचर्स M777 को भी शामिल किया है जिनको हेलीकॉप्टर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है जो हमारे नदन और ईस्टर्न बॉर्डर्स के पहाड़ों के लिए कारगर हैं। इन गन्स के अलावा इंडियन आर्टिलरी के पास 122 mm ग्रैड BM रॉकेट लॉन्चर और 300 mm स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो हमें दूर तक दुश्मन को बर्बाद करने की काबिलियत देते हैं। इंडिया की खुद की डिजाइन की हुई 214 mm पिनाका रॉकेट भी रेजिमेंट ऑफ आर्टी के हिस्सा हैं। दुनिया की अकेली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इंडियन आर्टी को एक अदम्य शक्ति प्रदान करती हैं। K9 वज्र 155 मिलीमीटर बटा 52 कैलिबर की सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक गन है जो कि दुनिया की सबसे आधुनिक तोप है और 38 किलोमीटर दूरी तक की मारक क्षमता रखती है। K9 वज्र गन काफी एडवांस्ड वेपनरी में शामिल है और इसे सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक गन भी कहा जाता है। सेना की बाकी रेजिमेंट्स में उनके कलर्स उनके ध्वज होते हैं लेकिन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में ये सम्मान दिया गया है उनकी गन्स यानी तोपों को जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट का ध्वज गहरे लाल और गहरे नीले रंग से बना है। गनर्स का ये मानना है कि ये दोनों रंग बारूद से निकलने वाले शोलों और धुएं का प्रतीक है। इससे जुड़ी एक कहानी 1962 की चीन से हुई लड़ाई के दौरान की है। 17 पैराफील्ड रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने अपने 4 गनर्स को हेलीकॉप्टर से नीचे गिराया था जिनमें से 2 ही मिली थी और बाकी 2 चीन के कब्जे में थी। 1962 में ये गन्स वहां पे ड्रॉप हुई थी और 1991 में जाके 17 पैराफील्ड रेजिमेंट ने ये फैसला किया कि हम हमारे कलर्स जो निफा में ड्रॉप हुए थे उनको रिकवर करेंगे। इसके लिए एक आगरा से एक्सपीडिशन भेजा गया और उस एक्सपीडिशन ने 2 गन्स को रिकवर किया जिनको मैन पैक करके अपनी पीठ पर उठा के हाई अल्टीट्यूड के एरिया में वो रोड हेड तक लेके आए और उसके बाद में उन गन्स को फिर से असेंबल किया। ये 2 गन्स जिनमें से कि एक हमारे रेजिमेंट ऑफ आर्टी एसोसिएशन म्यूजियम में है और एक 17 पैराफील्ड रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड में है। ये एक उदाहरण था कि हम अपने कलर्स को क्या अहमियत या अपनी गन्स को क्या अहमियत देते हैं कि हमारी गन्स को हम कभी पीछे छोड़ के नहीं जाते हैं, उनको हमेशा हम रिकवर करते हैं चाहे हमें कितने भी साल लग जाए। सौ 1999 कारगिल युद्ध
पाकिस्तान की सेना मिलिटेंट्स की आड़ लेकर कश्मीर में कारगिल के रास्ते घुसपैठ कर रही थी। ये भारतीय सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन था, क्योंकि दुश्मन पहाड़ियों की ऊंचाई पर बंकर्स बनाकर वांटेज पोजीशन पर था। कारगिल के वॉर में 0.4875 एक ऑब्जेक्टिव था, जो अपनी कठिन टेरेन और बनावट के कारण बहुत ही डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव था इन्फेंट्री के लिए। तो उसको गनर्स के एक्यूरेट फायर और टाइमली सपोर्ट के कारण इन्फेंट्री ने कैप्चर किया, और उसमें निर्णायक जीत जो थी वो गनर्स की मानी जाती है। आज उस 0.4875 का नाम बदलकर गनहिल नाम रख दिया गया, और आज वह गनहिल के नाम से जाना जाता है। हमारे बहादुर तोपचियों ने दुश्मन की बिना गोलाबारी की परवाह किए हुए लगातार फायरिंग करते रहे, और दुश्मन के कई बंकर्स, कई पोस्ट और कई जो एम्युनिशन डंप्स थे उनको बर्बाद कर दिया। मेरी यूनिट जो कारगिल में थी उस समय, हमारे बहादुर तोपचियों ने बहुत लगातार फायर करते हुए दुश्मन के चक्के छुड़ाए। यूनिट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन और थिएटर ऑनर कारगिल से सम्मानित किया गया। यूनिट ने उस समय लगातार फायरिंग करते हुए तकरीबन 44,000 राउंड्स दुश्मन के ऊपर बरसाए थे, और उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान कारगिल के सक्सेस के रूप में हमको दिखाई देता है। इस पूरी लड़ाई में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने अलग अलग तरीकों और तरकीबों से दुश्मन को धराशायी किया। कारगिल वॉर में आर्टिलरी ने अपने आप को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल किया। वहाँ पे गन एरियाज की कमी थी, वहाँ पे हमारा फायर टेस्ट होता था, मतलब आप फायर कर रहे हैं तो आगे हिल स्लोप है, वो फंस रहा है उसमें। तो उसके लिए आर्टिलरी ने कई डिफरेंट तरीके से अपनाए। कभी कभी अपनी यूनिट को कई टुकड़ों में बांट के फायर किया, कहीं कहीं व्हील टू व्हील गन जोड़ के फिर फायर किया, और कहीं कहीं डमी पोजिशन बनाई। डमी पोजिशन मीन्स कि दुश्मन को हम दिखाते हैं कि यही हमारा गन एरिया है, और उसमें हम एक्चुअल गन नहीं रखते हैं, हम लोकल आइटम्स का यूज़ करके, चाहे बल्ली हो चाहे कोई कार्टेज राउंड शेप हो, गन बनाते हैं, और दुश्मन के जो सर्विलेंस इक्विपमेंट हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं शायद यही गन है, एंड दे फायर ऑन इट। तो उससे हम टाइम लेते हैं और दुश्मन का एम्यूशन भी बर्बाद होता है। तो कई बार ऐसा हुआ था वहाँ पर कि दुश्मन का फायर हमारी डमी पोजिशन पर आया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने 2.5 लाख से भी ऊपर कारतूस, बम और रॉकेट दुश्मन की सेना पर दागे थे। हर रोज 300 तोपों से 5,000 गोले, मोर्टर बम और रॉकेट से बार किया गया था। इतने लंबे समय तक लगातार इस तरह की फायरिंग दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार देखी गई थी। कारगिल युद्ध के दौरान गनर्स के हाथों में भारी शेल उठाने के कारण और तोपों को लगातार चलाने की वजह से छाले पड़ गए थे। 24 घंटों में ये महज 2 से 3 घंटे सो पा रहे थे। ना खाने का ठिकाना, ना आराम की सुध, ना चोटों की मरहम पट्टी। यही वजह थी कि इस जंग में आर्टिलरी को प्राइम किलर कहा जाने लगा, क्योंकि दुश्मन की लगभग 80% कैजुअल्टीज सिर्फ आर्टिलरी फायर से हुई थी। कारगिल की लड़ाई में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के 3 ऑफिसर और 32 सैनिक देश के लिए शहीद हुए। रेजिमेंट की 3 यूनिट्स 141 फील्ड रेजिमेंट, 197 फील्ड रेजिमेंट और 108 मीडियम रेजिमेंट को खास योगदान देने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन से सराहा गया। युद्ध के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के सैनिकों को 4 वीर चक्र, 3 युद्ध सेवा मेडल, 33 सेना मेडल और 22 मेंशन इन डिस्पैचेस प्रदान किए गए। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने 1962 में चीन के खिलाफ लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुशुल की पहाड़ियां लेह की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है, तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां 13 फील्ड रेजिमेंट के साथ हेवी मोर्टर्स का ट्रूप और कुछ टैंक्स भी एयर ड्रॉप किए गए। जब चीन के सैनिकों ने यहां हमला किया तो सिर्फ 200 मीटर दूर तक की ही विजिबिलिटी थी, और सुबह के
4 बज रहे थे। हमारे जो लेफ्टिनेंट एसटी गोस्वामी हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर तैनात थे और उन्होंने लगातार आर्टिलरी फायर से दुश्मन को तहस नहस किया। द रेशियो ऑफ द ट्रुप्स डिप्लॉयड इन दैट सेक्टर तकरीबन 10:1 था। वो उससे प्रूव होता है कि जब ये लड़ाई ख़त्म हुई है तो तकरीबन 1000 चीनी सैनिक की लाशें वहाँ पे मिली और हमारे भारतीय सेना के तकरीबन 140 जवान शहीद हुए थे। लेफ्टिनेंट एस डी गोस्वामी महज 21 साल के थे जब उन्होंने जंग में इस तरह की बहादुरी दिखाई थी और उन्हें इसके लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। ये तमाम ऑपरेशंस ऐसी जगहों पर हुए जहां सोचा भी नहीं जा सकता था कि इन्फेंट्री के जवान पहुंचेंगे और अब यहां पूरा तोपखाना अपने साजू सामान के साथ सरहद की सुरक्षा में लगा है। इनमें से एक जगह है सियाचिन। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जैसे आपको बताया, और वहां पे टेम्परेचर्स -35 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं। विंड स्पीड्स अप टू 150 नॉट्स जाते हैं, जहां पे हम मेटल को अपने नंगे हाथों से टच भी नहीं कर सकते। वहां पर आज रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के जवान वेरियस गन पोजीशंस, ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स, मोटर पोजीशंस पर मुस्तैदी से तैनात हैं और दुश्मन के किसी भी करतूत के लिए सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 1984 से जब से ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हुआ है तब से रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के डेट्स सियाचिन के अलग अलग पोस्ट्स पे, अलग अलग पोजीशंस पे तैनात हैं और अभी तक जितने भी दुश्मन मुल्क से होने वाले जितने कुछ करतूतें हुई हैं उनको सामना हमेशा अच्छी तरीके से किया है और गन पोजीशंस को सही तरीके से मैन किया हुआ है। अलर्टनेस से ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स ने भी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। हमारे दो सेंटर्स हैं नासिक और हैदराबाद और दोनों ही काफ़ी पुराने हैं। नासिक 1948 और हैदराबाद 1962 की विंटेज का है। हमारा लक्ष्य यहाँ पे एक रॉ रिक्रूट को एक ट्रेंड गनर बना के यूनिट में भेजना ताकि वो यूनिट में हर एक ऑपरेशन में, चाहे वो कन्वेंशनल ऑपरेशंस है या काउंटर इंसर्जेंसी है या एड टू सिविल अथॉरिटी है या इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ है, जाके अपनी यूनिट में अच्छे से इन ऑपरेशंस में शामिल हो सके। मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया देवलाली की कहानी बेहद पुरानी है। 1966 में यहां 1200 गढ़ सैनिक पहुंचे थे और आज यहां रेजिमेंटल सेंटर है, वो पहले स्टेशन अस्पताल हुआ करता था। फिर मेजर जनरल केपी कैंडिथ ने मार्च 1961 में आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड का दौरा किया। उस समय लगभग 5000 गनर्स की इंडियन आर्टिलरी को आवश्यकता थी। उन्होंने दूसरे आर्टिलरी सेंटर को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और 15 अगस्त 1962 में आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद स्थापित किया गया। इस मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन 3 सितंबर 1980 को कर्नल आर के नंदा, कमांडेंट आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप ने रखी थी और 19 मई 1981 को इस मेमोरियल को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल ओपी मल्होत्रा ने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को समर्पित किया। इस मेमोरियल की वॉल ऑफ ऑनर पे 1667 बहादुर शूरवीरों का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। और इसी वॉर मेमोरियल के परिसर में नींव पड़ती है अनुशासन, परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा और वतन परस्ती की। यही इनकी शानदार ड्रिल प्रैक्टिस होती है, यही ये गनर्स में ढाले जाते हैं और यही इनकी पासिंग आउट परेड भी होती है और इसके बाद ही ये हासिल करते हैं गनर्स कहलाने का गौरव। जय
जब एक यंग ऑफिसर अपना एकेडमी की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जब वो अपने पल्टन में जाता है तो हर रेजिमेंट की अपना तरतीब है, तौर तरीके है जिस तरह से उसको वेलकम किया जाता है। कुछ रेजिमेंटों में उस यंग ऑफिसर को एक गन का रैमर, जिससे बेसिकली एमिनेशन को अंदर ढकेलना होता है बैरल के अंदर, और उसके साथ एक जलता हुआ लालटेन दिया जाता है जिससे उसे हमेशा अपने साथ कैरी करना होता है। रैमर उसको इसलिए दिया जाता है ताकि उसे यह एहसास हो कि उसे अभी उस गन के बारे में काफ़ी कुछ सीखना है, एंड राइट फ्रॉम उसके नट बोल्ट से लेके उसे फायर करने तक की नॉलेज उसे गेन करनी है। और जो जलता हुआ लालटेन है वो उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि नॉलेज जो ज्योति है, नॉलेज है, और उसे मोटिवेट करने के लिए कि मुझे काफ़ी कुछ सीखना है, उसके लिए उसे वो जलता हुआ लालटेन अपने साथ हमेशा कैरी करना होता है। सर्वधर्म की प्रथा भारतीय सेना की हर रेजिमेंट से जुड़ी है और आर्टिलरी रेजिमेंट के भी परिसर में मौजूद इन मंदिर, मस्जिद और चर्च में सद्भाव से पूजा पाठ त्योहार होता है। लेकिन हाँ, यहाँ के मंदिर की खासियत जरूर है कि यहाँ भगवान के अलावा तोपों की भी पूजा होती है। आर्टिलरी यूनिट्स की अपनी तोपों से जुड़ी कई परंपराएं हैं। हर दशहरा पर सभी जवान अपनी तोपों को सर्वोच्च सम्मान देते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कई यूनिट्स रक्षाबंधन के त्योहार पर अपनी तोपों को रक्षा सूत्र भी बांधते हैं, जो कि इस बात को साबित करती है कि ये तोप अपने जवान का और जवान अपनी इस तोप का हर हालत में मान रखेगा। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ही ऐसी रेजिमेंट है जहां मेस में ऑफिसर्स बेल्ट पहनकर जाते हैं, बाकी दूसरी रेजिमेंट्स के ऑफिसर्स मेस में बेल्ट नहीं पहनते। इसके पीछे की कहानी बेहद पुरानी है। इसकी जो हिस्ट्री है वो है 18th सेंचुरी में, जब एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी का दस्ता नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जा रहा था तो वहाँ पे ट्राइबल्स ने इस दस्ते को इनवाइट किया खाने के लिए। सभी ने अपनी बेल्ट्स उतार दी। बेल्ट्स का सिग्निफिकेंस था कि बेल्ट के साथ आपकी सोर्ड लगी होती थी, तो वो निहत्ते हो गए। कुछ देर बाद वही ट्राइबल्स ने इस दस्ते पे अटैक कर दिया और बहुत कम लोग उस अटैक से बच सके। उसके बाद डिसाइड किया गया कि इसके बाद कोई भी गनर कहीं पे भी अपनी बेल्ट यानी अपनी सोर्ड को नहीं उतारेगा, वो हमेशा पहन के रखेगा और किसी भी हमले के लिए तैयार रहेगा। तब से अब तक सोर्ड्स तो चली गई हैं, उसके बाद में पिस्टल्स आए, पिस्टल पहन के रखते थे, और अभी पीस टाइम में क्योंकि पिस्टल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अब भी ये ट्रेडिशन चल रहा है कि बेल्ट हम मेस में नहीं उतारते। शुरू में हम जो गनर्स थे लैनयार्ड नहीं पहनते थे, सो एक यही हमारे होता था कि गनर्स हैं, दैट इट्सेल्फ वाज एन आइडेंटिफिकेशन कि ये गनर्स हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा महसूस हुआ कभी जो हमारे गनर्स थे, स्पेशली जो माउंटेन बैटरी के गनर्स थे, इन 1950 दे वॉन्टेड to have that same kind of distinction, we are gunners, different from other people. So being from Royal Artillery, so there is a tradition, एक royal tradition है कि कोई भी royal regiment होती है वो जो lanyard है वो right में पहनती है। बहुत सारे regiment हैं जो lanyard पहनती हैं, left में पहनती हैं, कुछ एक दो यूनिट गले में भी पहनती हैं, but this tradition of wearing lanyard, it was introduced, ये इनको हमने 1950 में introduce किया गया था and right में शुरू किया था। शुरू शुरू में सिर्फ माउंटेन गनर्स पहनते थे, बाद में ये सभी के लिए लागू किया गया। प्राचीन काल में गनर्स घोड़सवार हुआ करते थे, वो अपने घोड़ों का और हाथियों का इस्तेमाल अपनी भारी गनों को ले जाने के लिए किया करते थे। आज के मॉडर्न युग में आर्टिलरी गन्स को ले जाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन आज भी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में हॉर्सेस की देखरेख की जाती है। आर्टिलरी सेंटर नासिक में आज भी तकरीबन 39 हॉर्सेस है और एक बेहतरीन इक्वेस्टेरियन और पोलो टीम है जो कि देश के प्रमुख पोलो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है।
हमारे पास एक हॉर्स है जिसका नाम गरुड़ है, उसको हम अरेंजमेंट ऑफ आर्टिलरी की तरफ से एशियन गेम्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की बॉडी बिल्डिंग टीम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। नायब सुबेदार थयमा दयान्दता सिंह साउथ कोरिया में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप के चैंपियन और मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं। इसके साथ ही यहां बॉक्सिंग की बेहतरीन ट्रेनिंग की जाती है। दो जन्म होता है, एक जन्म तो पहले होता है जो माँ बाप ने दिया, दोबारा जो एक प्लेयर का जन्म हुआ मेरा आरटी सेंटर में ही हुआ। मैं 2010 में भर्ती हुआ था, उसके बाद मैंने जैसे ही भर्ती हुआ उसके बाद मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी आई सीनियर नेशनल्स की, नेशनल गेम्स की, उसके लिए मुझे आरटी रेजिमेंट ऑफ आरटी ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने वर्ल्ड मिलिट्री में मेडल लिया है जिसमें सारे वर्ल्ड के मिलिट्री टीम आती है, और इंडिया ओपन में मेरा सिल्वर मेडल है, रियो टेस्ट इवेंट खेला है ओलंपिक मैंने, और उसके बाद मैंने सैफ गेम खेला है आर्मी का, और उसके बाद मैं कजाकिस्तान खेला है, वर्ल्ड सीरीज बॉक्सिंग खेली है। भारतीय सेना ने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के दोनों सेंटर्स को आर्चरी, कबड्डी और एथलेटिक्स का आर्मी नोड बनाया, जहां इन खेलों के खास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर पाए। कबड्डी इन्हीं खेलों में से एक है और आज के गनर्स ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल किए हैं। इनमें से एक प्रो कबड्डी लीग का भी हिस्सा है। गैलेंट्री गनर्स ने कई एडवेंचर एक्टिविटीज में भी शिरकत की है, जैसे माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन, कार रैलीज, एरो स्पोर्ट्स और व्हाइट वाटर राफ्टिंग। मैंने ट्रेनिंग किया था सर हैदराबाद में, तो इसी आर्टिलरी में रहते रहते हुए मैंने मौका मिला, मुझे एक्सपेडिशन माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन जाने का मौका मिला, और मैं इंडियन आर्मी आर्टिलरी से मैं अकेले एवरेस्ट सेलेक्ट हुआ सर। फिर एवरेस्ट में गए सर, तकरीबन काफ़ी मौसम ख़राब हुआ था उसमें, काफ़ी हमारे एक्सपेडिशन का काफ़ी 1985 में तो अभी तो बहुत अच्छे है, अभी 1985 में तो काफ़ी रोड भी काफ़ी मुश्किल भी था और नीचे ही था ग्लेशियर से नीचे। हम एक्सपेडिशन गए 26,000 फीट में हमारा जो कुछ मेंबर फंस गया था सब, उसको हमने रेस्क्यू के लिए मैंने अकेले चार बार में साउथ कोल में गए, और 11 अक्टूबर को मैं फिर अगेन ट्राई करके फिर मैंने उसका रेस्क्यू, कोई नहीं जा पाया उसमें, मैं अकेले गए थे और उसमें मैंने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करते समय हमारा चार मेंबर डेथ हुआ था, एक मेंबर एमवी राव उसको मैंने लेके आने को से रेस्क्यू करके लिया था। खेल के मैदान से युद्ध के मैदान तक रेजिमेंट ने ये साबित किया है कि जब गनर्स कहीं पहुंचते हैं तो वहां जीत निश्चित होती है। आज ये भारत की सेना का अभिन्न हिस्सा बनकर उस जगह पर मौजूद है जहां सरहद की सुरक्षा की जा रही है, जहां नागरिकों को महफूज रखा जा रहा है, जहां काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस हो रहे हैं, और हर जगह ये गनर अपनी गन्स के साथ रक्षा सूत्र में बंधे हैं।